सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें बताने वाला हूँ कि मैंने अपना चश्मा कैसे उतारा जो मुझे 8 साल पहले लगा हुआ था और अभी मुझे 50 दिन हो गए हैं मैंने चश्मा नहीं पहना है। और आपको अपना चश्मा उतारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो जो लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड, मैं यहाँ से गया जलंधर अपनी आंखें ठीक करवाने। सो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे ड्रॉप डालेंगे और मुझे दिखने लगेगा जैसे कि मैं चश्मा पहन के देखता था वैसे ही मुझे दिखने लगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा नंबर बड़ा है, 3.5 पॉइंट का नंबर था मेरा, मुझे दूर का नहीं दिखता था। तो फ्रेंड, मुझे थोड़ा लग रहा है टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए हैं, 50 दिन हो चुके हैं, बोल सकते हैं रिजल्ट है लेकिन बहुत स्लो है। सो फ्रेंड, अभी 50 दिन तक कि हमने ब्लैक बोर्ड से जो पढ़ाई होती है कोचिंग की वो बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि ब्लैक बोर्ड को कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि चश्मा बनवा लें, लेकिन अभी बनवाया नहीं है, जब मैं बनवाऊंगा वही बता दूंगा मैं आपको। तो फ्रेंड, इसके जो रिजल्ट है वो स्लो है। अगर आपका नंबर कम है, 0.5 है, तो आप जा सकते हो, बिल्कुल आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। या आपका चश्मा सर दर्द करता है इसलिए आप पहनते हो तो भी आप वहां जा सकते हो, आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं चश्मा जब उतारता था तो मेरा सर दर्द करता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, ऐसा सर दर्द तो नहीं हो रहा है, बस मुझे दिख नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम होती है। और रात में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बिना चश्मे के तो ऐसा लगता दिख नहीं रहा। अभी मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये सामने मेरे फोन है लेकिन मुझे अपना चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है फोन में, यहाँ से मैं इतनी दूर हूँ। आप सोच सकते हो, मान के चलिए 2 या 3 फीट की दूरी है लेकिन मुझे अपना चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा नुकसान होता है पढ़ाई का भी, लेकिन अगर आपको आंखें ठीक करानी है तो आपको थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 6 महीने लग सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 1 साल भी लग सकता है, लेकिन आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड, अगर आपका चश्मे का नंबर कम है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपका चश्मे का नंबर थोड़ा ज्यादा है और आपको पढ़ाई करते हो या आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बिना चश्मे के हो ही नहीं पाएगा, तो आप उस टाइम जाए जब आप फ्री हो। लेकिन अभी मेरे को लगता है मेरे को और टाइम लगेगा और हम धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपका नंबर कम है तो आप बिल्कुल अभी जाओ और अब ठीक हो जाओ। सो फ्रेंड, अगर आप जाओ तो ये मत सोचना कि जैसी वो आंखों में ड्रॉप डालेंगे वैसे ही आप ठीक हो जाओगे। अगर आपका नंबर बड़ा है तो, अगर आपका नंबर छोटा है कम है 0.5 तो एकदम तुरंत भी हो सकता है, लेकिन मेरा नंबर बड़ा है और मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे कि जैसे जैसे हमारी आंखें ठीक होती जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही अगर आपको आंखें ठीक करवानी हो। मुझे तो बहुत पहले लगा था, 8 साल पहले, तो फ्रेंड वो नंबर बहुत बड़ा था, 3 या 3.5 कुछ ऐसा नंबर था। सो फ्रेंड, रिजल्ट है लेकिन बहुत कम है और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जल्दी आंखें ठीक हो जाएंगी, जैसी वो ड्रॉप डालेंगे वैसे दिखने लगेगा। फिर उन्होंने कहा था कि 15 दिन में आपका ये धुंधलापन साफ होता जाएगा। थोड़ा बहुत रिजल्ट है लेकिन जितना हमें चश्मे के साथ दिखता था वैसा कुछ नहीं है अभी। बाकी देखते हैं, अगर आगे हमारी आंखें ठीक होती हैं तो हम आपको अपडेट दे देंगे। अगर हम चश्मा बनवाते हैं आगे वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई का नुकसान होगा तो फिर वहां पर हमें चश्मा बनवाना ही पड़ेगा। और अभी हम शाम को नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बिना चश्मे के इतना दिख ही नहीं पा रहा है। जैसे ही मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर सामने मेरे फोन रखा है लेकिन मेरा चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। सो फ्रेंड, वीडियो बनाया, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, अगर आपको जाना है तो सिंपल सा आप सर्च कर सकते हो गूगल मैप पे, आए बाबा ड्रॉप जलंधर, आपको लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ से उनकी जो टाइमिंग होती है 4:00 बजे से लेके 9:00 बजे तक होती है, पर डे आप जा सकते हो।